दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की सबसे बड़ी हार हुई और पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर रह गई। चुनाव हारने के बाद कई नेता हार की जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए, लेकिन असल में अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो वो पार्टी के प्रभारी और संगठन मंत्री की, वो जिनके हाथों में पूरी चुनावी कमान थी। 5 महीने बीत जाने के बाद पार्टी ने दोनों की छुट्टी कर दी। प्रभात झा को दिल्ली से पंजाब भेज दिया गया है, जबकि संगठन मंत्री विजय शर्मा की दिल्ली प्रदेश से छुट्टी कर दी गई है। इन दोनों की जगह दो नए चेहरों ने जगह ली है। श्याम जाजू, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनको दिल्ली का प्रभारी बनाया गया है और केरला के सिद्धनाथन को संगठन मंत्री बनाया गया है। दिल्ली के नए प्रभारी से जब हमने पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी उनके लिए निगम चुनाव में चुनौती पेश कर पाएगी, तो श्याम जाजू का क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना गढ़ है, जहाँ हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। जब देश में कहीं भी हम नहीं थे, वो तब दिल्ली में हम राज करते थे, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का केडर बहुत स्ट्रांग है और यहाँ की लोकसभा की सब सीटें हमने जीती है, एमसीडी में हमारा राज है। एक अपवादात्मक स्थिति विधानसभा की छोड़ के पार्टी का केडर बहुत मजबूत है। दिल्ली हमारे लिए एक नए सिरे से वापस खड़ी करने का एक चैलेंज है, हम वो निश्चित करेंगे। वहीं पार्टी में हुए बदलाव को दिल्ली के नेता रूटीन बदलाव के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो दोनों ही नेताओं से प्रदेश के कार्यकर्ताओं से नहीं बनती थी, जिसकी शिकायत कार्यकर्ताओं ने आला कमान को दे दी थी, और यही कारण है कि दोनों बड़े नेताओं की छुट्टी कर दी गई है। जब दिल्ली के नेताओं से पूछा गया कि क्या कुछ और भी बदलाव दिल्ली स्तर पर देखने को मिल सकता है, तो इस पर भी वो कुछ बोलने से बचते हुए नजर आए। देखिए, बदलाव एक निरंतर दौर का एक हिस्सा है, जिसने आना है वो जाएगा, जिसने सवाल ये है कि संगठन बढ़ते रहना चाहिए, संगठन में आना गया लगा रहता है। जो जिम्मेवारी मिली है हम उनको बधाई देते हैं, एक चुनौती है क्योंकि एमसीडी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हमें दोबारा सत्ता हासिल करनी एक चुनौती है। और मुझे लगता है दोनों जो हमारे संगठन मंत्री जो हमारे आए हैं नए और प्रभारी जो आए हैं, दोनों सक्षम हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं। दिल्ली में उनका कौन सा कार्यकर्ता सक्षम है, कौन सा कैसे करना है, उनकी कैलिबर क्या है, सबको सब कुछ मालूम है उनको, पुराने कार्यकर्ता है। पार्टी में काफी समय से अंदर ही अंदर मांग उठ रही थी कि दोनों को हटाया जाए। दिल्ली के दो बड़े विकेट तो गिर गए हैं, अब नंबर तीसरे विकेट गिरने का है। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के तीसरे बड़े नेता की विकेट कब गिरता है, या वो अपने विकेट को बचा पाने में कामयाब रह पाते हैं। जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज़, दिल्ली।